नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मैकेनिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GAR मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बाइक के अंदर हमें ग्रिस का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके की बाइक है, जैसे मान लीजिए हीरोंडा की स्प्लेंडर या बजाज की CT 100 है। मान लीजिए हम किसी कंपनी या वर्कशॉप में उसकी सर्विस कराते हैं तो उस कंपनी या वर्कशॉप में जो काम करने वाला मैकेनिक होता है वो हमारी गाड़ी में किस किस जगह ग्रिस का यूज़ करता है और यदि वो करता है तो वो गाड़ी के लिए अच्छा रहता है या नहीं रहता। तो दोस्तों आज इसके ऊपर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास हीरोंडा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और हमने उसका इंजन खुलवाया किसी वर्कशॉप में और हमने मैकेनिक को कहा कि इसका इंजन असेंबल कर दे, तो वो उस इंजन को जब असेंबल करता है तो आपने देखा होगा कि जो इंजन के अंदर जो गैस्केट होती है यानी जो पैकिंग का जो पैकिंग जो होती है कागज की, वो इंजन के जॉइंटों के अंदर लगाई जाती है जिससे ऑयल की लीकेजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब मैकेनिक के पास अपने गाड़ी से रिलेटेड या इंजन से रिलेटेड कोई काम करवाते हैं तो अधिकतर मैकेनिक चैम्बर या इंजन के उस पार्ट में जहाँ पैकिंग लगनी होती है उसके अंदर वो ग्रिस का यूज़ कर लेता है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जिस जगह हम पैकिंग लगाते हैं वहाँ उस जगह इंजन के चैम्बर के अंदर छोटी छोटी गैलरियाँ बनी हुई रहती है जिसके अंदर से ऑयल की सप्लाई होती है और जब इंजन असेंबल होता है तो दोस्तों वो ग्रिस अंदर की तरफ रह जाती है और इंजन से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो बाहर की ग्रिस तो हम साफ कर देते हैं लेकिन जो ग्रिस अंदर की तरफ रह जाती है और जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में जो ऑयल होता है वो ग्रिस और ऑयल दोनों मिलते घुलते नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो ग्रिस उसी जगह बैठी रहती है और जिस जगह से ऑयल की सप्लाई होती है, या ये मान लीजिए जो ऑयल पंप की सप्लाई का जो एरिया होता है उस जगह ग्रिस के कुछ पार्टिकल्स वहीं रुके हुए रहते हैं, जिससे होता क्या है हमारे इंजन में जब ऑयल पंप में ऑयल की सप्लाई होती है तो वो हमारे ऑयल पंप की सप्लाई को स्लो कर देता है, जिससे ऑयल जो पूरा इंजन में छनना होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे हमारे इंजन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है। ये मान लीजिए कि हमारा पिस्टन जो इंजन में रनिंग करता है उसके पास ऑयल उस स्पीड से नहीं पहुंच पाता जिस स्पीड से उसको पहुंचना होता है, जिससे क्या होता है हमारा इंजन धीरे धीरे ओवरहीटिंग होता है और फिर धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी इंजन के अंदर हमें पैकिंग लगाते समय ग्रिस का यूज़ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज़, जिस जगह पैकिंग नहीं होती है उस जगह भी ग्रिस लगा के चैम्बर को असेंबल नहीं करना चाहिए। उस जगह हमें जो रबड़ वाली बॉन्ड ट्यूब होती है, जो ट्यूब सूखने के बाद रबड़ जैसा शेप ले लेती है, वो वाली ट्यूब ही यूज़ करनी चाहिए। ऐसी ट्यूब नहीं यूज़ करनी चाहिए जो सूखने के बाद गाढ़ी हो जाए, जिसको फनर से या चाकू से कुरेद के हटाना पड़े। इस तरीके की हमें बॉन्ड ट्यूब का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें केवल उसी तरीके की बॉन्ड ट्यूब यूज़ करनी चाहिए जो सूखने के बाद रबड़ जैसा हो जाए, जिसे हम आसानी से दोबारा हटा भी सके, जिससे हमारी ऑयल की लाइन भी ब्लॉक नहीं होगी और हमारी ऑयल की सप्लाई भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों ये तो था इंजन के अंदर इस्तेमाल होने वाली पैकिंग में ग्रीस इस्तेमाल नहीं करने का तरीका। अब हम बात करते हैं बाइक की चेन के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कई मैकेनिक बाइक की चेन में ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों बाइक में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी मैकेनिक ने किसी बाइक की चेन को वॉश किया, वॉश करने के बाद वो उसके अंदर यदि ग्रीस लगाता है तो दोस्तों पहली बात तो वो ग्रिस उस बाइक की चेन के लिए अच्छी है ही नहीं, क्योंकि ग्रिस के अंदर मैग्नेटिक सिस्टम होता है, वो डस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रिस लगाई और उसको वो ग्रिस लगाने के बाद कस्टमर को गाड़ी दे दी, तो जब कस्टमर कुछ समय गाड़ी चला के जब दोबारा चेन को ओपन करके देखते हैं तो दोस्तों उसमें पहले की बजाय ज़्यादा मिट्टी या ज़्यादा डस्ट हमें अवेलेबल मिलती है। वो सिर्फ इसी वजह से मिलती है कि दोस्तों चेन में जो ग्रिस हमने यूज़ करी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी चिपक जाती है, जिससे चेन ज़्यादा रस्टली हो जाती है। और दोस्तों कई गाड़ियों की चेन तो ओपन होती है जिनमें चेन कवर भी नहीं होता, जिससे डस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उस जगह। तो दोस्तों किसी भी बाइक की चेन के अंदर हमें ग्रिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और यदि चेन ओपन है तो उसे वॉश करने के बाद हमें या तो 90 नंबर ऑयल का यूज़ करना चाहिए या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का जो चेन ल्यूब होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल सी बाइक ही 50 से 60 हज़ार रुपये की आती है, जो कि हमारे मेहनत के पसीने की कमाई से खरीदी हुई बाइक होती है, और उस बाइक की लाइफ को हम यदि ख़राब कर देंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्हीकल या वाहन
आधी रात को भी हमारा काम निकालता, तो एक तरीके से वो हमारे फैमिली का पार्ट हो जाता है। तो उसका रख रखाव और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी खुद के ऊपर होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराएं या सर्विस सेंटर पर लेके जाए, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि बाइक के चैन के अंदर कभी भी ग्रीस ना लगवाएं, उसके अंदर हमेशा चैन लूप या 90 नंबर ऑयल ही लगाएं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीस का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी सर्विस सेंटर पर बाइक लेके गए और वहाँ पे जैसे मान लीजिए गाड़ी का व्हील खोल लिया, तो उस व्हील के अंदर जो पहिए के जो बेयरिंग होते हैं, यानी ग्रीस का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जो एरिया पूरा पैक हो, जहाँ ना एयर पहुँच सके और ना ही ऑयल का इस्तेमाल हो, उस जगह हम ग्रीस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पहिए के बेयरिंग के अंदर, क्योंकि जब हम पहिए के बेयरिंग निकालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर से वो बेयरिंग कवर करा हुआ रहता है। तो उस बेयरिंग को निकालने के बाद उस कवर को निकालें और उसमें पुरानी ग्रीस को हटा के नई ग्रीस लगा के उस कवर को लगा के उसको वापस असेंबल करें। इसके अलावा जैसा मान लीजिए जो हमारे क्लच का जो लीवर होता है, उस लीवर में भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रीस लगा के उसको कपड़े से बहुत साफ करके और डस्ट रबड़ वापस ऊपर लगा के वहाँ लगाना चाहिए। इसके अलावा जो सस्पेंशन के बुश वगैरह होते हैं, वहाँ हमें ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें कहीं पर भी ग्रीस का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर आप जान पाए होंगे कि ग्रीस का इस्तेमाल हमें कहाँ करना चाहिए, और यदि ग्रीस का यूज़ हमने गलत जगह कर लिया है तो उससे क्या नुकसान होता है गाड़ी के अंदर, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।